गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे। स्टडी वी वर डिस्कसिंग अबाउट कल जो हम लोगों का टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पर बच्चों हम लोगों की जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इन फोर ग्रुप। तो मैंने फोर ग्रुप में बताया था। तो पहला मैंने बताया था आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा मैंने बताया था बच्चों मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तीसरा मैंने बताया था ऑन द बेस ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तीसरा बताया था बच्चों एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और चौथा मैंने बताया था फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। बच्चों आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। तो जो हम लोगों का डिस्कस करना है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे इम्पोर्टेंट है, हाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इज इम्पोर्टेंट। टुडे वी हैव टू कम्प्लीट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखें बच्चों, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमें चार इंडस्ट्रीज पढ़नी है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में चार इंडस्ट्रीज पढ़नी है। पहली इंडस्ट्रीज हमारी बच्चों आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। दूसरी आती है जूट इंडस्ट्रीज। और तीसरी आती है बच्चों हम लोगों की पहले कॉटन इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज और सुगर इंडस्ट्रीज। ये तीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे पानी है। इसमें आज जो हम लोगों का टॉपिक है बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो टुडे वी विल कंप्लीट अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या पढ़ना है बच्चों? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। टुडे वी हैव टू कम्प्लीट अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखें कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हाउ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो आई हैव टोल्ड यू दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1853। Although before it the industrial product was present in India, before coming the big industries means underground industries, matlab try to understand that what means is industry. I have told you that there is a quite different between the manufacturing as well as the industrialization. Industrialization means manufacturing means that there is the product and product can be also part wise. That is also the manufacturing, just like we have bought the cotton and in very small scales, like local level per pupils started to weave the cloth by the very small machines like spinning jenny wagera. Spinning jenny is a machine which is also capable to weave the cloth more perhaps 2 or 3% equivalent. तो बेसिक मेरे कहने मतलब दैट एंड आफ्टर इट इट इज स्विचिंग मतलब दैट इज एंड मेनी प्रोसेस एंड मेनी अदर प्लेसेस इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस हैव बीन अकॉर्ड। तो दैट इज आल्सो द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट दैट इज नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देन व्हेन देयर वाज अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट वाज प्रेजेंट बट देयर वाज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एज ऑफ द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है बच्चों, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द एज ऑफ द जस्ट बिफोर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन देयर वाज द प्रोडक्ट बट देयर वाज नो इंडस्ट्रीज बिकॉज प्रोडक्ट वाज परफॉर्म इन वेरी पीस बाय पीस, टुकड़ों में किया जाता था। प्रोडक्ट वाज डन इन पीसेस
लाइक कपड़ा कहीं और बुना जा रहा है मीन्स हिंदी में आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी मीन्स कपड़ा कहीं और बुना जा रहा है, कपड़ा कहीं और सिला जा रहा है, कपड़ा की डाइंग कहीं और हो रही है, कपड़े दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अकरिंग इन डिफरेंट प्लेसेस. सो वेयर देयर आर परफॉर्मिंग उसे हम इंडस्ट्रीज नहीं कह सकते. इंडस्ट्रीज मतलब अंडर वन रूप लार्ज नंबर ऑफ द मशीन्स रैपिडली इज एंटरिंग एंड आउट प्रोडक्ट मटेरियल इज कम्प्लीटली आउट कमिंग. बेसिक मेरे कहना मतलब दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जस्ट पहले भी बच्चों बिफोर कमिंग द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले भी इंडस्ट्रियल टाइप का प्रोडक्ट होता था और उस टाइम के प्रोडक्ट को बोलते हम लोग प्रोटो इंडस्ट्री. उस टाइम के एज को बच्चों हम लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज कहते थे. मतलब जस्ट बिफोर एरा ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन देयर हैज स्टार्टेड टू कम द इंडस्ट्रियल लाइक प्रोडक्ट बट दैट इज नॉट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज. मतलब द प्रोडक्ट वॉज परफॉर्मिंग द प्रोडक्ट वॉज प्रेफर बाय द डिफरेंट द प्रोडक्ट वॉज producing by the different units of the productions, not in single units. If single units there is a large amount of the production, then that is known as industry. But the product was producing in different units, like somewhere it is कहीं पर कपड़े की वीविंग हो रही है स्मॉल स्केल पे, कहीं पर बच्चों से डाइंग हो रही है, कहीं पर उसकी कटिंग हो रही है, कहीं पर उसे स्विचिंग हो रही है. बेसिक मेरे कहने का मतलब ये. तो जब इंडस्ट्रीज नहीं थी देर वॉज नो इंडस्ट्रीज बट देर वॉज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उस समय के एज को एट दैट एरा उस समय के एज को उस समय के टाइम में हम लोग एज ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. दैट इज नोन एज ए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. जस्ट बिफोर एरा ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन देर वॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक बट देर वॉज नो बिग इंडस्ट्रीज. और establishing of the big industries is known as a industrialization. और ये बेटे इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग जो होती है वो 1853 से होती है मुंबई में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है बच्चों 1853 में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश मुंबई. मुंबई में पहली बार बेटे 1853 में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल वॉज एस्टेब्लिश. देन अहमदाबाद, देन सूरत एंड देन बेटे कानपुर को भी बेटे. तो इसी वजह से अहमदाबाद इज द मेन कंसंट्रेशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. एक्सप्लेनिंग इट अहमदाबाद इज द मेन सेंटर. अहमदाबाद आई हैव टोल्ड यू बिकॉज ऑफ मैंने बताया था बच्चों की मोस्ट ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन स्टेट जो इंडिया के है वो गुजरात और महाराष्ट्र वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एज वेल एज कर्नाटका और गोवा तो एक छोटा सा स्टेट कह सकते हैं. प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बारे में तो उसका नाम नहीं ले सकते हैं बट आई एम टेलिंग टू यू दैट मोस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट सम पार्ट ऑफ राजस्थान, मोस्ट पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल एज कर्नाटका. These are the most cotton producing state and I have announced that in cotton productions India is securing I think second rank after China. आई थिंक मुझे कन्फर्म नहीं है और आई एम नॉट सिक्योर आई एम नॉट श्योर कि सेकेंड पोजिशन है बट लेकिन आई एम श्योर दैट द कॉटन का जो होम प्लेस माना जाता है दैट इज इंडिया. जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट द होम प्लेस ऑफ द पोटैटो, टोमेटो, चिलीज एंड स्वीट पोटैटोज इज बिलोंग फ्रॉम इज फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम अमेरिका इट हैज बीन ऑल्सो स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है आई हैव टोल्ड यू आई हैव एक्सप्लेन इट that it has been also spread from the America, USA to the entire part of the world and it has been first time as you know that America was discovered by Mr. Christopher Columbus in 1492. Although Christopher Columbus was trying to come to India by the sea routes because the land routes was restricted by the different groups of the peoples like Arab traders as well as the Kustutuniya place mein ise restricted kiya gaya tha. So that's why the reason the European traders were trying to come to reach to India by the sea routes and by this effort in 1492 Christopher Columbus has started his journey with his companion but unfortunately he has not reached to India but fortunately he has also invented a new continent which was come to know as a which was come to known as a
जो बाद में बेटे अमेरिका के नाम से बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया, और बाद में जब अमेरिका अमेरिका कॉन्टिनेंट है बच्चों, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बाद में जाना गया, बाद में अमेरिको नाम के एक दूसरे ट्रेवलर पहुंचे और वो मेन लैंड ऑफ अमेरिका पहुंचे, उन्हीं के नाम पर इसे अमेरिका रखा गया। और यूएसए एक अलग है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये बेटे 13 स्टेट को ज्वाइन करके एक कंट्री बना जो बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के नाम से जाना गया। तो अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैं बता दूं बच्चों आपके लगभग है 10 कंट्रीज, हाँ 10 कंट्रीज है, जैसे कनाडा है, कनाडा के बाद फिर यूएसए, यूएसए के बाद मैक्सिको है, हंडुरास है, निकारागुआ है, और मतलब इस तरीके से 10 कंट्रीज हैं जिसमें से मैक्सिको से लेकर के बाकी मिडिल अमेरिकी कंट्रीज के रूप में जाने जाते हैं। छोटे छोटे देश हैं, पनामा है, निकारागुआ है, हंडुरास है, ठीक है, और इस तरीके से वो जगह 10 कंट्रीज है, 10 टोटल मिलाकर के 10 कंट्रीज हैं। तो यूएसए जो बच्चों, तो यूएसए की खोज की गई, तो मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया मतलब इंडिया होम ऑफ पार्टी को कंसीडर किया गया, पूरे इंटायर वर्ल्ड की दुनिया के लोग अमेरिका को मतलब इंडिया को एज होम ऑफ कॉटन समझते हैं। तो कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से कॉटन की मेन इंडस्ट्री, मैंने बताया कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारा गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश, कर्नाटका, एज वेल एज as well as some part of Rajasthan is cotton producing states, that's why the region most cotton textile industries are concentrated in that area, but some in most cotton industries are concentrated in Mumbai as well as Gujarat, Surat, Ahmedabad, these are the main city of the Gujarat which is center of the cotton textile industries. Ahmedabad mein bahut zyada center hai, Ahmedabad is a big center of the cotton textile producing states, cotton producing art textiles industries, that's why the reason Ahmedabad is considered as a Manchester of the India. I have told you, अगर आप लोगों को नहीं पता तो भी मैं बार बार ये बता रहा हूँ, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो बेटा मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर इज अ बिग सिटी ऑफ द ब्रिटेन, ऑफ इंग्लैंड कहें या ब्रिटेन कहें, बाद में उसे ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया और बाद में उसे यूके कहा गया, जब आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गए तो उसी कंट्रीज का नाम हम कंबाइंड रूप से बच्चों यूके के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, इट वाज कम टू नोन एज ए यूनाइटेड किंगडम। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि यूनाइटेड किंगडम, तो मेरे कहने का मतलब इंग्लैंड इज द स्टार्टिंग, जो हमारे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट होता है वो इट कंसीडर दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट हैज अकर्ड फर्स्ट टाइम्स इन लंदन इन इंग्लैंड, दैट्स व्हाई द वेरी बिग इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग वाज एस्टैब्लिश इन ब्रिटेन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन, दैट्स व्हाई क्या कहते हैं मैनचेस्टर इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बिगेस्ट सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सो मैनचेस्टर तो जो कोई कंट्रीज बेटे बहुत ज्यादा स्टेट सिटी बन जाता है, तो उससे दूसरे सिटी कंट्री को, कंट्री की सिटी को हम कंपेयर करते हैं, इसी वजह से अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। बट अगर गलती से क्वेश्चन आता है कि मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इट शुड बी वेरी केयरफुल दैट द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कानपुर, कानपुर का नाम सुना है लोगों ने, तो कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। बट अगर पूछता है कि आप मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है, तो यू हैव टू गिव द आंसर अहमदाबाद, अहमदाबाद इज नोन एज ए मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया। तो बच्चों मैं ये बता रहा था, तो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज की जो स्टार्टिंग होती है वो गुजरात, वो महाराष्ट्र होती है, महाराष्ट्र मुंबई में फर्स्ट टाइम में 1854 में फर्स्ट इंडस्ट्रीज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, 1854 में 53 में रेलवे स्टार्ट किया गया था, 1854 में फर्स्ट इंडस्ट्रीज ऑफ कॉटन वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मुंबई की उस जो फर्स्ट इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी वहाँ पर वर्क करने वाले लेबर कहाँ से आते थे, तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राइट रत्नागिरी वगैरह डिस्ट्रिक्ट है जो कि जस्ट मुंबई के जस्ट बगल में, तो वहाँ से लोग आते थे वर्क करने के लिए इन द कॉटन, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मुंबई। ओके बच्चों, तो इस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोगों को बता रहा था, अबाउट आई वाज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री दैट हाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैज बीन आल्सो स्टार्टिंग में बेटे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती थी, इस वजह से इंडिया की डायनेमिक इंडस्ट्री हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही कहते थे, लेकिन आज के टाइम में बेटे इंडिया की डायनेमिक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, डायनेमिक इंडस्ट्रीज का स्टेटस प्रेजेंट टाइम में आयरन इंडस्ट्री को दिया गया है, क्योंकि आयरन इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, बी वेरी मच केयरफुल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन की इंडस्ट्री बेटा मतलब एट प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र मतलब एट प्रेजेंट टाइम पे जो आयरन इंडस्ट्रीज है इसे बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, बिकॉज वह अदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अदर इंडस्ट्रीज, अदर सेक्टर की इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन द कॉटन, आर डिपेंडेड ऑन द आयरन इंडस्ट्रीज, आर द मशीन्स, आर मेनी अदर इक्विपमेंट ऑल्सो।
ठीक है। तो इस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो आपको अब डायनेमिक इंडस्ट्री नहीं कहते, अब डायनेमिक इंडस्ट्रीज बेटे आयरन इंडस्ट्री को। द क्वेश्चन इज कमिंग दैट व्हिच इंडस्ट्रीज इज नोन एज ए डायनेमिक इंडस्ट्रीज, तो यू हैव टू बी रेडी टू गिव द आंसर दैट आयरन इंडस्ट्रीज इज नोन एज ए डायनेमिक इंडस्ट्रीज एट प्रेजेंट टाइम, बट इन ओल्डन टाइम, बट बिफोर जस्ट सम टाइम सम इयर्स अगो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज कंसिडर्ड एज ए डायनेमिक इंडस्ट्रीज। अगर आपसे पूछा जाता है कि नोडल इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, तो नोडल इंडस्ट्रीज बेटे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। आगे जब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा। व्हेन आई विल स्टार्ट द मिनरल इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑन द अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द कॉटन अबाउट द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, देन आई विल एक्सप्लेन दैट नोडल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इज नोन एज पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट, मैंने ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करे। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया में एस्टेब्लिश होती है वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड होती है, और एक्सपेंड होने के बाद बहुत ढेर सारी जगहों पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का यूज हुआ। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ढेर सारे लोग इंडिया के एंगेज हैं। माना जाता है कि टोटल वर्क फोर्स का, हम बच्चे बच्चों आपको बता दें कि इंडिया में जो टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो इनकम गेन, इंडिया का जो टोटल जीडीपी के बारे में मैंने बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये किसी कंट्री का होता है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है प्रोडक्ट होता है बेटे, वो किसी कंट्री का होता है, और वो इंडिया के टोटल जीडीपी का 4% बेटे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से आता है। अगर हम फाइनेंशियली देखें, अगर हम इकोनॉमिकली बात करने की कोशिश करें, तो टोटल जीडीपी का 4% से 5% हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से आता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, और टोटल और इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन का, ये तो टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल जीडीपी का बच्चों जीडीपी का लगभग 14% हम लोगों का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गेन होता है। ठीक है, अगर इंडिया इज गेनिंग 100 rupees फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन 14 rupees कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, वो फ्रॉम द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेल्फ रिलेटेंट कंप्लीट वैल्यू चेन होती है, इसमें बहुत ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। पहला बेटा फाइबर प्रोडक्शन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन के स्टेजेस होते हैं, आई एम टॉकिंग यू अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डिफरेंट एजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पहला आता है बेटे फाइबर प्रोडक्शन से आगे जब चलते हैं बच्चों, तो स्पिनिंग होता है। फाइबर प्रोडक्शन मतलब कॉटन का जो रुई टाइप में होता है, दैट इज नोन एज फाइबर। इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके बाद होता है स्पिनिंग होता है कपड़े को फाइबर मतलब कॉटन है, कॉटन को एक थ्रेड्स के रूप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग के बाद बच्चों आता है वीविंग मतलब कपड़े को बुनना, वीविंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ द वीविंग के बाद बच्चों होता है वीविंग, नीटिंग का नेटिंग, ऐसे बाद डाइंग होता है, क्या होता है कपड़ा बुनने के बाद डाइंग भी करती है, डाइंग मतलब कलरिंग करना, कपड़े को कलरिंग करना, एंड कलरिंग के बाद बिठे उसे कटिंग करना और उसे गारमेंट्स में कन्वर्ट करना, जैसा भी। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्लियर नाउ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डिफरेंट स्टेजेस, आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके बाद बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सबसे ज्यादा बेटा इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ही एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही एस्टेब्लिश हुई इंडिया में सबसे ज्यादा, और इंडिया बेटे एक लार्जेस्ट लार्जेस्ट कॉटन का एक्सपोर्टर भी है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक इंडिया काउंट किया जाता है, ठीक है। और खासकर जो थ्रेड्स के एक्सपोर्ट में तो इंडिया बहुत ज्यादा है। वैसे तो मैंने बताया था कि कॉटन के प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट रैंक हमारा चाइना होल्ड कर रहा है, लेकिन चाइना के बाद इंडिया आता है, लेकिन थ्रेड्स के एक्सपोर्ट में इंडिया शायद फर्स्ट उसमें आता है। तो जो मैं आपको बता दूं, पहले इंडिया से क्या होता था कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इंडिया से कॉटन का जो ब्रिटिशर्स आए, तो क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट हो चुका था बच्चों, और इंडिया में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट हो चुका था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक है। अब बिग बैग फैक्ट्री हैज बीन आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड, हैड एस्टेब्लिश्ड वेयर इन इंडिया में तब प्रोडक्शन तो हो रहा था, कॉटन का प्रोडक्शन तो हो रहा था। कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांडेबल थी, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके जब इंडिया में यूरोपियन आ गए, मतलब ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स डोमिनेट हो गए। वैसे तो पहले सबसे पहले पुर्तगालीज आए बच्चों, फिर डच आए, और डच के बाद फिर इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद फिर इंडिया में बच्चों फ्रेंच आए। फ्रेंच सबसे बाद में, ये अलग बात है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। हम बातें कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लिमिटेड रहते हैं, नथिंग अबाउट दैट सेक्टर। तो आई एम एक्सप्लेनिंग हियर की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में एस्टेब्लिश हुई, तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो एस्टेब्लिश तो गई, लेकिन हम लोग इंडियन इंडस्ट्रीज वर नॉट कम्पीटिंग टू द ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रीज, बिकॉज दे वर ऑलरेडी एस्टेब्लिश एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द मशीन्स एंड मैनी थिंग्स वर इन फेवर ऑफ द ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे बेटे, इंडिया के गुड क्वालिटी की कॉटन को खरीद करके इंग्लैंड ट्रांसफर करते थे, और इंग्लैंड से बना हुआ जैसे मैनचेस्टर में बताया था, मैनचेस्टर के बारे में अभी और हम डिस्कस करेंगे, तो वहां से प्रोडक्ट मटेरियल इंडिया आता था और इंडिया के मार्केट में बेचा जाता था, ठीक है। और इस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल वर नॉट कम्पीटिंग टू देम, इंडियन टेक्सटाइल इनको कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो पहले बता दूं बेटा कि इंडिया के टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा डिमांड थी इन द यूरोपियन मार्केट में। कभी कभी क्वेश्चन आया करता है कि इंडिया वो क्यों आते थे, तो बेटा वो इंडिया और चाइना ही तो उनका मेन बेस था, क्योंकि चाइना से वो बेटा क्या ले जाते थे, चाइना से बच्चों वो ले जाते थे स्पेशली जो रेशम का कीड़ा रेशम बनता है ना बच्चों, तो वो उसके लिए आते थे, खासकर रेशम के लिए आते थे, रेशम के कपड़े के लिए आते थे। और इंडिया आने का उनका पर्पज होता था टेक्सटाइल, एज वेल एज मेन जो था बेटे इंडिया के जो मसाले थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, स्पाइसेस ऑफ इंडिया वर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो गुल जो गुलन उनको होता था वो बेटा चाइना, और पोल्ट्रीज चाइना से उनका संबंध था, और इंडिया का टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस वर वेरी मच डिमांडेबल फॉर देम। तो इस वजह से बच्चों जब वो इंडिया आए, तो इंडिया से उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो इंडिया से गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन भी वो एक्सपोर्ट करने लगे, और उनको कम्प्लीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कम्प्लीट देम। लेकिन बच्चों क्या हुआ, कि जब इंडिया में 1919 में मैंने बताया था, जब मैं आपको नेशनलिज्म इंडिया पढ़ा रहा था, आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था, एट द टाइम ऑफ द एक्सप्लेनिंग टू द नेशनलिज्म इंडिया, उस समय मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ये क्लियर करो याद करो, तो उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था कि उस समय गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था, दैट वॉज नोन एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, याद करो मैंने 1920-21 में एक मूवमेंट चला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मैंने बताया था बाइकॉट ऑफ द फॉरेन मटेरियल, बाइक